हरे कृष्णा। आज हम लोग दर्शन करेंगे नंदगांव में बसे पावन सरोवर का। यह सरोवर बच के 5 प्रमुख सरोवरों में से एक माना जाता है। जो भी पहले पावन सरोवर में स्नान करता है और फिर नंदेश्वर पर्वत में कृष्ण बलराम के दर्शन करता है, उसकी सारी इच्छाएं अवश्य पूरी हो जाती हैं। नंद महाराज भी एक बार ब्रज प्रयागराज स्नान करने जाना चाह रहे थे और कृष्ण के अनुरोध पे हुए अक्षय तृतीया के दिन प्रातः हुए इस सरोवर में स्नान करने आते हैं। तब वो प्रयागराज और संसार के सभी तीर्थों को इस सरोवर में स्नान करते हुए देखते हैं। ये सभी तीर्थ अपने तीर्थों में छोड़े हुए पापों को नष्ट करने के लिए पावन सरोवर में स्नान कर रहे थे। राधा रानी एक बार जब पावन सरोवर में स्नान कर रही थी तब वहीं जटिला कुटिला एवं अन्य गोपियाँ पहरा दे रही थी। तब कृष्ण कुंड के दूसरे ओर से जल के भीतर से तैरते हुए आते हैं और उन्हें आलिंगन करके वापस चले जाते हैं। सनातन गोस्वामी सबसे पहले वृंदावन आते हैं और यहीं पे बैठकर भजन कीर्तन किया करते हैं। माना जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने का बहुत ही बड़ा पुण्य होता है।